सांसद अनंत हेगड़े जी ने क्या कहा है ये मैंने सुना नहीं है, किंतु मीडिया के माध्यम से जो बातें सामने आ रही है कि महाराष्ट्र की सरकार ने 40,000 करोड़ या जो भी कुछ अमाउंट कहा गया हो ये केंद्र सरकार को वापस किया, पूरे तरीके से गलत है। मैं इसको सिरे से नकारता हूं, ऐसी कोई भी घटना घटी नहीं है। मूल रूप से जो बुलेट ट्रेन है वो एक केंद्र सरकार की कंपनी के तहत तैयार हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का काम ये केवल लैंड एक्विजिशन का है और इसलिए महाराष्ट्र सरकार को पैसे देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी चाहे वो बुलेट ट्रेन हो चाहे कोई और चीज हो, न केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से कोई पैसा मांगा न महाराष्ट्र ने कोई पैसा दिया, और इसलिए बिल्कुल गलत इस प्रकार का यह बयान है या बिल्कुल गलत इस प्रकार की खबर है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार का बुलेट ट्रेन में रोल केवल लैंड एक्विजिशन का है, इसके सिवा कोई रोल नहीं है। और बुलेट ट्रेन नहीं तो किसी भी मियाद से एक नया पैसा भी महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को वापस नहीं किया है। मैं जिस समय मुख्यमंत्री था या जिस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री था, ऐसे किसी भी समय कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन मैंने लिया नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है, इसको सीरियस से मैं नकारता हूं। और जिसको केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की अकाउंटिंग सिस्टम समझती है उनको ये पता है इस प्रकार से पैसा दिया या लिया नहीं जाता। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, जो सरकार है या सरकार का जो वित्त विभाग है वो वित्त विभाग भी इसकी जांच करके इसके बारे में सच क्या है ये जनता के सामने लाए। इस प्रकार की गलत बयानबाजियां, और कोई अगर गलत बयानबाजी करता है तो उसके ऊपर रिएक्शन देना, ये दोनों एकदम सिरे से गलत है। अनंत हेगड़े काय बोलले हे मला माहिती नाही, पण जे काही मीडियातनं समजतंय त्याच्यावरनं जे काही मला या ठिकाणी माहिती मिळते हे 100% धादांत चुकीचं आहे, खोटं आहे। एक नवा पैसा देखील महाराष्ट्राने केंद्र सरकारला परत केलेला नाही। मुळातच बुलेट ट्रेन करता एक नवा पैसा देखील केंद्र सरकारकडनं महाराष्ट्र सरकारला मिळालेला नाही। बुलेट ट्रेन करता एक कंपनी तयार झालेली आहे जी सेंट्रल गव्हर्नमेंटची कंपनी आहे, तेव्हा जेव्हा केव्हा ते पैसे बुलेट ट्रेनचे येतील त्या कंपनीमध्ये येतील, महाराष्ट्र सरकारकडे ते येण्याचं कारण नाही आहे। महाराष्ट्र सरकारचा यातला रोल हा केवळ लँड ऍक्विजिशनचा आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की ज्यांना अकाउंटिंगची पद्धत समजते त्यांना हे देखील समजतं की असे पैसे येऊन पडले आहे ते वापस केले आहे, असं कधी होत नाही। आणि तसंही ज्यावेळी मी काळजीवाहू मुख्यमंत्री होतो किंवा मुख्यमंत्री होतो निवडणुकीच्या नंतर, त्या काळामध्ये एकही पॉलिसी डिसिजन मी घेतलेलं नाही, जाणीवपूर्वक हे सांगून की जोपर्यंत रेग्युलर सरकार येणार नाही तोपर्यंत महत्वाचं पॉलिसी डिसिजन घेण्यात येणार नाही। त्यामुळे मला असं वाटतं की पूर्णपणे चुकीचं धादांत खोटं अशा प्रकारचं हे जे काही चाललेलं आहे ते आहे। मी पुन्हा एकदा अतिशय स्पष्टपणे सांगतो, एक नवा पैसा देखील महाराष्ट्राचा केंद्राला गेलेला नाही, केंद्राने तो मागितलेला नाही, मागण्याचा विषय येत नाही, देण्याचा